मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है संडे और आज मैं जा रहा हूँ, आज मैं आपको एक अपने छोटे पापा से मिलवाता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग है। मिलता हूँ, ये देखो सामने का रोड और हम चलते हैं आगे। आज मैं दिखाता हूँ आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, आपको आगे मिलवाता हूँ। मैं आया हूँ स्कूटी पे, देख रहे हो कितना बेकार है रास्ता। चलते हैं यहाँ से आगे और चलते हैं। तो मैं आ गया जल्दी और देखो लेट हो गया हमारे फूफा जी। वेट करते हैं फिर चलते हैं और लोकेशन देख के आपको पता ही चल रहा होगा मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी। हाँ, मैं खड़ा हूँ नावले मेट्रो स्टेशन के नीचे, यही एक अड्डा है ना जहाँ हम वेट करते हैं। यही मिलेंगे, यहीं से शुरुआत होती है, चलते हैं आगे। वो तो गाइस ये रहा सामने रास्ता, देख सकते हो। बाकी ना सुबह सुबह ड्राइव करने में बड़ा अच्छा लगता है, ना जाम ना कुछ ना शोर शराबा, इतना शांत माहौल है सामने और अच्छा ही लगता है गाड़ी मतलब ड्राइव करने में। सुबह से एकदम शांत अकेले चलते रहो, स्पीड चलाओ जा कुछ चलाओ भाई, स्पीड तो खैर नहीं चलानी चाहिए, नॉर्मल चलानी चाहिए। तो देखो यहाँ भी भरा है कितना पानी। मैं यार हर जगह दिल्ली पूरे पानी से डूब ही रही है, कहाँ जाएगा ये सब पानी, पीने के लिए पानी नहीं है। चलो सीधा मिलता हूँ आपसे जहाँ अपनी लोकेशन पे, दिखाता हूँ आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखो, देख रहे हो सुबह सुबह, हमारे यहाँ से सुबह नहीं होती पर यहाँ होती है। हमारे यहाँ पानी से सुबह होती है। और ये देख रहे हो छोटा चेतन, ये फूफा मेरे। और ये आज पता आया कहाँ इतनी ठंड में, स्विमिंग पूल अलग ही है, इससे ज़्यादा जल्दी है नहाने की मुझे तो नहीं है। शक्ल देख रहे हो ना मेरी, इनको भी है भाई, इन्हें ठंड नहीं लगती इन्हें, मेरे को तो लग रही है अभी भी, गाड़ी चला कर आया हूँ। चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं। देख रहे हो सुबह सुबह कौन आएगा, सुबह सुबह हनुमान जी की तस्वीर कितनी मस्त लग रही है ना। जय वीर बजरंगी, जय श्री राम। वो अभी टिकट कटा रहे हैं और हम चलना इसमें, देख रहे हो अंदर। वैसे तो थोड़ी बहुत बारिश है बट देख रहे हो गाइस, बारिश में इतने ठंडे मौसम में तब आए हैं ये देखो, ये सह परिवार नहीं मानता बस, ये फैमिली नहीं मानती। देख रहे हो ठंडा है पानी बहुत, और ये सब अभी नहा रहे हैं, मैं तो अभी के अंदर। देख रहे हो सुबह सुबह पूल, संडे का दिन पूरा वीकेंड जो कि ये रहे फैमिली। इतनी ठंड में भी ना चैन नहीं है भाई, कोई ना फिर मजे लेते हैं। चल ये हमारे ओलंपिक्स है, गोल्ड मेडल है ये, ऐसी बात नहीं है भाई, गोल्ड मेडल जीत रखा है ना स्विमिंग में इसने, तो अभी कुछ नहीं जीता है तो बेकार है। तो इसे इग्नोर करो भाई, कैमरे में देख रहे हो नज़ारा कितना बढ़िया है। ये है सेक्टर 3 अवंतिका के पास, आपको आना हो तो ज़रूर आना, पेड प्रमोशन नहीं है भाई, वैसे ही बता रहा हूँ, गर्मी के टाइमों में आना चाहो तो ठीक है। अच्छा है गाइस, तो हम हो गए फ्री स्विमिंग करके, ये देख रहे हो सब नहा चुके पानियों से। चलो चलते हैं फिर घर की तरफ, चलिए निकलते हैं घर की तरफ। सर गाड़ी चला रहे हैं हमारे। आज का प्लान इनका था 2 डेज ट्रिप इनके नाम की, देख रहे हो ये छोटा यूट्यूबर, सस्ता यूट्यूबर है ये, सस्ता तो मैं भी हूँ। बाकी चलते हैं, नज़ारे आप देख ही रहे हो कितने प्यारे हैं, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग तो आपने देखी होगी। ये गाड़ी तेज चलती है, इसका ना नंबर नोट कर लो आप, चलान भेज दिया करना। और ये रहा मैं जो कि गाड़ी चला रहा हूँ गाइस, दिल्ली में यार गाड़ियाँ बहुत हैं। आप लोग कहते होंगे ना मैं घूम फिरा के गाड़ी पर आता हूँ, ऐसा ना कहते, मेरे को गाड़ियाँ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा।
जो कि मुझे अच्छी लगती है। मैं एक कार लवर हूँ ना, तो मेरे लिए ये अच्छा है। और ये देखो, और ये चल रहा मेरा आगे परिवार, उद्यमी परिवार। बाकी अच्छा था जो भी था, स्विमिंग पूल में आगे मज़ा भी आया। शरीर जिम नहीं जा रहा ना 2-3 दिन से, तो वो भी कवर हो जाएगा इसमें। और देखते हैं, ये देखो गाइस, देख रहे हो ये सब उतर। तो आगे पीरा गाड़ी जो कि लगा है जाम, देख रहे हो। कुछ कहना चाहेगा भाई? गुड मॉर्निंग भाई, अभी नींद में नहाने के बाद भी। तो चलो देख रहे हो गाइस जैसे आगे के चल रहे हैं, बट कोई ना, करते हैं बाय और चलते हैं अपने घर की तरफ। वो तो गए, बट हम चलते अपने घर की तरफ। मुंडका रहते हैं ना, तो वो आगे चले गए और मैंने तो नांग लोई पीछे थोड़ी सी। तो चलते हैं। बाकी किसी दिन आपको ना बड़े ब्लॉग में दिखाऊंगा, उनसे बात करेंगे ना, तब देखना वो कितने इंटरेस्टिंग और फनी। और ये देखो नांग लोई का थाना, और ये रहे सबसे बड़े जिम्मेदार जो कि जाम लगवाते हैं। ये रिग्रेट रिक्शा सबसे बेकार चीज़, एक पलट भी जल्दी जाते हैं, बट मैं तो भाई बहुत कम ही सफ़र करता हूँ कभी कभी। ये तो अपने व्हीकल से बेस्ट है, मुझे सबसे बड़ा अपना व्हीकल लगता है। पेट्रोल लगती है थोड़ी, बट सही है, कोई बात ना, पेट्रोल लगने दो ना, अपने हाथ में अपनी सेफ्टी, अपन चलते हैं कैसे भी। और देख रहे सुबह सुबह के नज़ारे। कैमरा थोड़ा गंदा हो गया शायद, वेट, हाँ अब साफ है। कैमरा बीच में गंदा हो गया था गाइस। और पता है हम कहाँ गए? हम आ गए ये नांगलोई फाटक पे। चलो फाटक तो खुला हुआ है। सबसे बेस्ट चीज़ है, जब मैं गया था ना तब भी फाटक खुला था, और जब मैं आया हूँ तब भी फाटक खुला है। तो फाटक खुलने से है ना अपना टाइम बच गया यार, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है फाटक बंद होने से। ये देखो नाम ही लिया था और एक तरफ का बंद हो गया, अब हमारा खुला है। चलो पार करते हैं। बीटी होगी गाइस, देखो फाटक बंद हो गया और मैं यहाँ रुक गया। पता है क्या हुआ? देख रहे हो मैं वीडियो बनाने लगा था ना ब्लॉग की, फाटक बंद कर दिया, तो उन्होंने फाटक खोल दिया कि भाई तू निकल जा, मतलब वो इतना डर गए वीडियो निकाल दे मेरी। बट कोई ना, अच्छी बात है उन्होंने मेरे को निकाल दिया। मैं अच्छा लेट हो रहा था, लेट होने से अच्छा है कि उन्होंने निकाल ही दिया। और सामने रास्ता ख़राब, तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे आगे के। अब तो घर पहुँच ही गया, तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी आप बताओ कैसा था ब्लॉग, लाइक करो यार, सब्सक्राइब भी करो। और अगर आपको जाना है तो ये रहा सेक्टर 3 में रोहिणी, आप भी जाके हो आओ, गर्मी का टाइम है, फैमिली के साथ जाओ, बहुत अच्छा है गाइज़।